भाई जान ये तो प्रैंक हो गया है। और टायर की हालत ज़रा कमज़ोर लग रही है। पाकिस्तान में जिस तरह OLX है, इधर यहाँ पे कैरोट एप्लीकेशन है। शराज भाई के रूम में आप आ सकते हैं, ऑफिशियली इन्होंने ये रूम ले लिया है। बिस्मिल्लाह दुआओं के साथ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। तो भाई जान नींद तो बड़े नाम पूरी हो गई, क्योंकि तकरीबन 6:30-7 बजे मैं रूम पहुंच आया था। तो खैर मेरी गाड़ी के जो है ना फ्रंट टायर्स, उसमें ज़रा बसला है, मतलब एक थोड़ा सा ये फूला हुआ है और टायर की हालत ज़रा कमज़ोर लग रही है। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ टायर चेंज करूँ, लेकिन टायर मैंने नए नहीं ख़रीदने, बल्कि यूज़ टायर ख़रीदने हैं। पाकिस्तान में जिस तरह OLX है, इधर यहाँ पे कैरोट एप्लीकेशन है, उधर आपको यूज़ चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने ये गाड़ी शायद इस साल में इसे सेल आउट कर दूँ, तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि नए टायर ख़रीदने का क्या फ़ायदा। तो अभी यूज़ टायर मैंने कैरोट एप्लीकेशन पे देखे हैं, तो अभी उधर जाते हैं और पहले टायर्स की हालत देखते हैं। तो अगर टायर्स ठीक हुए तो हम ख़रीद लेंगे, अदरवाइज़ अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर कोई और टायर्स देख लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं साजिद भाई की साइड। ये है जी साजिद भाई का कैंपस। साजिद भाई इधर लैब में होते हैं, तो अभी मैंने उन्हें कॉल की है, वो कहते हैं जी बस मैं नीचे आता हूँ। यहाँ से गाड़ी को यू टर्न करवाते हैं। साजिद भाई का डिपार्टमेंट आई थिंक वो है, ये है आपकी मेन बिल्डिंग, वो देखें जी स्पेशल पार्क करवाई है कि कहीं आप पे कोई बात ना आए। टेस्ट पे कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आज जी? ठीक हैं, ब्रांड बोलता है किसकी, गुड है जी, बहुत सुनाएं कहते हैं। चलें आज इन्हें हमने ना जबरदस्ती काम से निकलवाया, वरना ये बड़े पड़ाकू हैं। नहीं, बात यह है कि हमने जब असद भाई को बोला है अपना मसरूफियात छोड़ के पाने लिए हाजिर होते हैं, तो बस फिर हमने इन्हें कहा है कि भाई आपको भी कल को गाड़ी लेनी होगी, तो आपको भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। तो खैर निकलते हैं। गाड़ी के जो टायर हैं ये तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो बस इसे ओके कर दिया अभी हमने, तो अभी इन्हें पेमेंट कर रहे हैं हम। भाई जान फाइनली डील डन हो गया, 60,000 है, यानी पाकिस्तानी आप कह सकते हैं 12-13 हज़ार में दो टायर लेना, जबकि कोरिया में नया टायर लें तो तकरीबन आपको 18-20 हज़ार का एक पड़ जाता है। अभी हम आए हैं नो ब्रांड, लेकिन भाई जान ये तो प्रैंक हो गया है, ये तो बंद है, पता नहीं कोई वो डिटेल तो नहीं लिखी कि यार इतवार को बंद होता है, शायद इतवार को बंद होता हो, क्योंकि इतवार नहीं बंद होता, इतवार को भी बंद होता। अच्छा, बस पता नहीं जी, आज हम आए हैं और आज इधर आए हैं तो भाईजान हाल मिला है। तो खैर अभी निकलते हैं शिराज भाई की साइड पे। ये चेक करें, ये है बाइक सेंटर और ज़बरदस्त किस्म की बाइक्स हैं। तो गाड़ी में टायर की जगह थी नहीं, तो इसीलिए अभी हम शिराज भाई के रूम में रखेंगे जी। भाई जान ये चेक करें, सफाई चेक करें शिराज भाई के रूम की।
शराज भाई के रूम में आप आ सकते हैं ऑफिशियली, इन्होंने ये रूम ले लिया है दुआओं के साथ। हाँ जी, लेकिन स्पेशल ये मेरे रूम में पूछे पूरे कोरिया, पूरे कोरिया वालों को इजाजत है, स्पेशल डिस्काउंट सिर्फ $100 पर। आप आज बाकी देखते हैं, आप इनसे पैसे लेंगे या हम इनसे लेंगे? जुर्माना डालें अभी तो अलग जुर्माना डालना है, कल इन्होंने अफ्तारी भी करानी है। हाँ जी, ओ खैर भाई जान, आज जो है ना हमारे साथ हसनैन भाई, अली भाई और शिराज भाई भी हैं, तो अभी जा रहे हैं हम अफ्तारी के लिए। अस्सलामु अलैकुम। I am leaving behind two things. One is Book of Allah, another is my family. Ma in tamassaktum behima lan tadillu ba. Bol to kya maata bol gaya. और वो एक जो चलान आया है वो भी शिराज भाई। हाँ, 1 लाख का है इस दफा। अच्छा, आए भाई आए। ओके जी अली भाई, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं। ये वाला यार बैग आपका है? नहीं यार, मेरा भी। शिराज भाई आ जाएं। आने दे, बस एक नुकसान है बिल ज्यादा। अभी हम आए थे दुआ के लिए, मोहसिन भाई के टायर वो फौत हो गए थे, तो चलते हैं जी। बन जाती है चीजें लेकिन टाइम मांगती है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह। मेरा जी, मेरा पेट बहुत ज्यादा। ओके ओके, थैंक यू। तो जी चलते हैं अगले स्टॉप की तरफ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सफ़र भी जो है ना, मतलब आज का दिन भी खैर व आफियत से गुजरा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।